हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं आप, ये रहा मेरा बाड़ी। और बाड़ी में है दो अनार के पौधे और एक अमरूद के पौधे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भाजी के साग। तो देख सकते हैं, ये रहा हरे हरे भाजी साग। तो हम इसे तोड़ लेंगे, देख सकते हैं, इस तरह से तोड़ लेंगे और बनाएंगे। और इसका रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी नानी जो है वो साग को ना कोलम कर दी है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा निकलता है साग और हमेशा निकलता है। तो आपका भी बाड़ी में अगर है ये वाला साग, तो आप भी इसे हसवा से कोलम कर सकते हैं। तो चलते हैं साग को धोने के लिए। तो ये रहा, हम लोग इसे दलकी बोलते हैं, पानी की जगह है। और एक महादेव का मंदिर भी है, देख सकते हैं आप, ये रहा मंदिर। और ये रहा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए है। और ये रहा, इसमें नहाते हैं लोग, इसे दलकी बोला जाता है। और ये रहा हम लोग का खेत, कितना अच्छा व्यू है। तो गर्मी के मौसम पे भी हम लोग धान का खेती करते हैं, यहाँ पानी का स्रोत अधिक है, इसलिए खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं दलकी। तो हम इसमें पानी को ऐसे निकाल लेंगे और इसे धो लेंगे इस तरह से। देखिए पहले पक्का जो है उसे हम धो लेंगे, बालू वगैरह था नीचे तो इसलिए। और इसे 2 से 3 बार छपाक छपाक करके धोएंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग का अंदर में बालू रहता है फंसा हुआ, वो आसानी से निकल जाता है। तो हम इस तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे इसे, देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैं दलकी आई हूँ धोने के लिए। कमेंट में बताइएगा फ्रेंड कि मेरा दलकी आपको कैसा लगा। तो साग को हम लोग धो लिए हैं, साग को हम लोग काट लेंगे, देख सकते हैं, इस तरह से काट लेंगे। और नीचे में जो बड़ा बड़ा है उसे भी चुन चुन कर इस तरह से बारीकी से हम काट लेंगे। से बारीकी से काट ले आप भी। और इसे फिर से हम धोएंगे, क्योंकि जो छोटा छोटा बालू होता है वो फंसा हुआ रहता है तो बाहर निकल जाता है। और ये रहा, हम लोग का कढ़ाई गर्म हो चुका था, तो हम इसमें सरसों का तेल डाल दिए हैं और 2 हरी मिर्च है वो डालेंगे पहले। फिर उसके बाद मिर्च एक बड़ा साइज का चॉपिंग किया हुआ है उसे हम डाल लेंगे। और इसका कलर चेंज होने तक इन्हें हम भून लेंगे अच्छा से, देख सकते हैं आप। और 2-3 घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था चने का दाल, तो उसे धो के अच्छा से डाल ले इस तरह से, देख सकते हैं आप। और इसे चला ले, चना डाल के या फिर चने दाल आलू वगैरह बैंगन सब डाल के भाजी साग बनाने से अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड, ऐसे तो बड़ी टेस्टी लगता है, खाने में अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो आप भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का पानी जो है सूख चुका है, तो हम इसमें अब नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। और टमाटर 2 डालेंगे, लाल टमाटर कटा हुआ है उसे डाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का जो साग है पानी निकलता है उस टाइम नहीं डालना पड़ता है नमक, क्योंकि नमक डालेंगे तो ज़्यादा पानी निकलता है और जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए हम लोग डालते हैं। तो बीच बीच में चला के चेक कर ले इस तरह से, देख सकते हैं आप। और लो फ्लेम करके इन्हें 2 से 4 मिनट पका लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग का साग जो है उसका पानी भी सूख गया है और बन चुका है, जो बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ खाने में। तो ऐसे आप भी भाजी साग बना सकते हैं घर पे, तो ट्राई करना फ्रेंड, ठीक है।